हाय, आप सभी का स्वागत है स्टडी टीचर प्लेटफॉर्म पे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी का न्यू कहते हैं इसको, सेल। सेल इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए, हम सेल को क्यों समझे, क्यों जाने सेल को? क्योंकि सेल से ही हम लोग बने हैं, सेल से ही पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। क्यों नहीं जानेंगे? सेल नहीं समझेंगे तो फिर कैसे समझेंगे कि हमारे अंदर या किसी भी लिविंग में कैसे फंक्शंस करता है? आप तो आसपास की चीजों को देखते हो, आप आसपास की चीजों को ख्याल में भी रखते हो, लेकिन आप कभी अपना ख्याल रखे हो अपना, कि कैसे हमारे शरीर के अंदर इतना सारा काम चलता है? कौन करता है इतना सारा काम 24 घंटे? कौन करता है? वो करता है सेल। तो सेल को जानना बहुत जरूरी है। सेल जब आप जानोगे तब तो आप समझोगे कि सेल क्या क्या करता है। हर मिनट जो हम लोग जीते हैं उसके लिए वो क्या क्या चीज करता है, कैसे वो फूड बनाता है, कैसे वो डाइजेशन करता है, वो सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो सेल ही करता है। जो भी काम हमारे शरीर में होता है वो सेल ही करता है, तो सेल को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपके सामने ये पहला पेज है सेल का, नॉर्मली इसे लोग पढ़ते नहीं है, सेल चैप्टर से शुरू कर देते हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है। एक बार आप इसको जरूर रीड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट बॉक्स को लाइए, आप पूछ सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे है जैसे आप सेल पढ़ना शुरू करोगे ना, तो जो क्वेश्चंस आपके अंदर आएंगे कि मैं सेल में क्या सीखूंगा, सेल क्या करता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल का काम क्या है, ये सारी चीज यहाँ पे आप ही की तरह इसने पूछा है। और जब आप इसको पढ़ोगे तो आपके अंदर भी यही सवाल आएंगे जो ये सवाल आपसे कर रहा है, और इसी के तलाश में आप उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, तो यही प्रीफेस यहाँ पे, कुछ खास नहीं है। बाकी हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, फिर वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि क्या वहां पे इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। इस पेज में हमें एक साइंटिस्ट का नाम मेंशन है, जीएन रामाचंद्रन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट क्यों है, वो इन्हीं चैप्टर में क्यों इस साइंटिस्ट के बारे में दिया गया, पता है क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। जब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है सेल के लिए भी, सेल के खोज में भी, पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोटीन का जो है फिगर बनाया था, और इन्होंने ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि आप डीएनए में पढ़ते होंगे ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने इतना कुछ बताया, और इन्हीं के जो स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं के मदद से आगे जाकर जो हेलिक्स वाला जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, इनमें इनका भी हेल्प है। ओके, तो इनके बारे में दिया गया है कि ये जो है वो 8 अक्टूबर 1922 में जन्म हुआ था इनका, कोची में, एक स्मॉल टाउन है। ठीक है, इनके पिताजी जो थे वो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, और यहीं से इनका जो है मैथमेटिक्स में रुझान रहा, क्योंकि इनके घर में पिताजी प्रोफेसर थे। तो होता है ना कि जब घर में कोई आपके पेरेंट्स जो होते हैं, पापा या मम्मी, कोई भी जो एक सब्जेक्ट में होता है, तो उनको फिर आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उस सब्जेक्ट में वो आपको बहुत ये करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा चैप्टर है, पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहे, है ना, उसी तरह से। ठीक है, तो आप इनको, इनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, इनके बारे में देखना क्या क्या, मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। इनका नाम, इन्होंने कब कहाँ जन्म हुआ था इनका, किस विलेज में, और इन्होंने किस किस कॉलेज में पढ़ा। जैसे इनके बारे में लिखा गया है कि ये पीएचडी जो है कैम्ब्रिज से किए, यूनिवर्सिटी 1949 में, और इन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर जो हुआ था वो इन्हीं के, मतलब डिस्कवर तो कोई और किया था अभी जानते हैं, लेकिन इनका यूज किया गया था, इनके थेटिस का कहिए या इन्होंने जो पब्लिश किया था ट्रिपल हेलिक्स, उनका इस्तेमाल करके ही ये स्ट्रक्चर बन पाया था। ठीक है, तो और ये जो है मर गए कब, ये 7 अप्रैल जो है एक को इनका देहांत हो गया। तो यही थोड़ा मोरा आइडिया लेना है, क्योंकि यदि बाई चांस आईसीआर में कभी पूछ दे इनके बारे में तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना कि ये क्या थे, तो थोड़ा मोरा आइडिया ले लीजिए। जैसे आज हम सेल जान रहे हैं तो सेल का आइडिया ले रहे हैं ना, तो इसमें तो हम सेल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन जो इनको हेलिक्स को, डीएनए को खोजने में इतना इम्पोर्टेंट क्या क्या, उनके बारे में इतना भी हक नहीं कि हम जान पाए कि वो कहाँ जन्म लिए, क्या किए, है ना, तो इतना तो जाना बनता भी है, तो हम जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे, बहुत ही मेरा तो बेहतरीन चैप्टर है सर, और मैं चाहूंगा कि आपका भी बेहतरीन चैप्टर बने, बहुत अच्छा चैप्टर बने। इसको आप समझ गए तो इससे आपका फिर सेल समझ आएगा, टिश्यू में इंटरेस्ट आएगा, टिश्यू समझने का, फिर ऑर्गन को समझने में इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो मैं भी चाहूंगा कि वो इंटरेस्ट में आपके अंदर जागरूक हो, कि आप और पढ़ो, और अच्छे से पढ़ो बायोलॉजी, और अच्छे से समझो, और जागरूक है कि मुझे और जानना है, और जानना है, तो ये मेरा काम है आपके अंदर वो जागरूकता पैदा करना। तो इसलिए इनपुट शुरू करेंगे आप नेक्स्ट पेज से सेल। ओके, तो चलो सेल शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का वो अंश है,
छोटी अंश है जहां से ही पूरी जीवन शुरू हुई है। ओके, तो मैं यहां से कहानी शुरू कर रहा हूँ। आप पूरी तरह से कंसंट्रेट, जो भी आपके आसपास मोबाइल यदि है तो मोबाइल को बंद कर दो और कॉपी पेन निकालो, या मैं यही तो कहूंगा कि कॉपी पेन तो आप बाद में अपना ये करना, नोट्स बनाना, लेकिन आप बिल्कुल इसको मेरे साथ जुड़ जाओ कहानी में और समझो कि ये व्हाट इज सेल क्या है, सेल थ्योरी ही क्यों, व्हाट इज सेल के बाद सेल थ्योरी ही आया। ये पूरी मैं एक एक करके कहानी के रूप में आपको समझाता जाऊंगा और आप बस इंजॉय करो, समझो। और इसको जब मैं ये खत्म कर दूँ ना इस चैप्टर को, तो आपको क्या करना है ना, इसको रिवाइज करना है, ठीक है। और मैंने जो जो बात बताई वही बात यहाँ मेंशन है, कुछ अलग नहीं होगा, पूरा वही बात होगा। और आपको भी ये कहानी के रूप में याद होना चाहिए, तभी तो मेरा पढ़ाना सफल हो, वरना तो फिर ठीक है। ओके, तो मैं शुरू करूँ स्टार्ट। तो पहले है, पहला पैराग्राफ जो यहाँ कहता है वो है कि जब आप अपने आसपास देखते हो, ठीक है, तो आप आसपास क्या देखते हो, या तो जिंदा चीज होता है या मरा हुआ चीज होता है। तो जिंदा चीज को जिंदा कौन रखता है, वो सेल रखता है। मैंने इस टॉपिक को शुरू करने टाइम ही बताया था कि जिंदा है वो सेल है, उसके अंदर सेल है तभी वो जिंदा है, मरा हुआ होगा तो सेल नहीं होगा, तभी मरा हुआ है। तो पहला पैराग्राफ में पहला बात यही कह रहा है कि कोई जिंदा है, आप आसपास तो देखते हो, कोई जिंदा मिलता है, कोई मरा हुआ मिलता है, जिंदे में सेल है, जो नहीं है वो मरा हुआ है, उसमें सेल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा चीज है जो कि उसको जिंदा बनाता है, ये देखो आपने लिखा है, व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, कौन सा चीज है जो कि उसको जिंदा बनाता है, सेल बनाता है। और उसके बाद उसी ने क्वेश्चन पूछ के वहीं पे उसने बगल में आंसर दिया है कि बेसिक यूनिट जो लाइफ का वो सेल है, और सेल ही किसी को जिंदा बनाता है, और यदि नहीं होता तो मरा हुआ होता है। अब आता है जब हम सेल समझ गए, कि चलो सेल का एक डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, वो डिफिनेशन बहुत बेसिक डिफिनेशन, आप 9th में पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो अभी जान जाओ, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल वो बेसिक यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है हमारे शरीर का। स्ट्रक्चर क्यों यूज कर रहे हैं शब्द, क्योंकि हमारा जो ये डिजाइन है ना शरीर का, ये स्ट्रक्चर है ना हमारा, ये सेल का ही बना हुआ है। सेल का ही ऐसे ऐसे यहाँ पे चौड़ा, यहाँ पे पतला, ऐसे करके डिजाइन आया, तो ये सेल का ही है, इसी तरह हमारा, इसलिए सेल को स्ट्रक्चर कहा जाता है। और सेल ही हमारे अंदर काम करता है, डाइजेशन का काम हो, एक्सक्रीशन का काम हो, कोई भी काम हो, ब्लड फ्लो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, रेस्पिरेशन हो, सब कुछ तो सेल ही कर रहा है ना। तो इसलिए सेल जो है वो स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल है, तभी हम जिंदा है। फंक्शनल नहीं होंगे तो शायद हम लोग रहेंगे भी नहीं, मर जाएंगे। ओके, तो सेल का डिफिनेशन क्यों, ये डिफिनेशन की आप समझ में आ रहा है ना, कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, इसलिए सेल के साम सेल के डिफिनेशन में स्ट्रक्चर और फंक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज सेल, तो सेल का तो मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया। ओके, तो वो तो डिफिनेशन यहाँ भी मेंशन है नीचे 4th लाइन में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने शुरुआत किया है यूनिसेल्यूलर से। एक्चुअली ना सेल पहले जब आया था नहीं धरती पे, तो वो यूनिसेल्यूलर था, पहले एक ही सेल आया था, बाद में सेल डिवाइड होते हुए मल्टी सेल्यूलर और आगे जाके बहुत ज्यादा ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम बना, तब हम लोग आए। ओके, तो यूनिसेल्यूलर जो है वो पहला था जिसके अंदर सिर्फ एक सेल था, और हम यदि उस सेल को समझ गए, वही सेल तो काम करता है, वही सेल तो मल्टीप्लाई करके फिर आगे जाके डिवीजन करके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेन बनता है, तो उस एक सेल को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ कहता है क्या, पहला बात कि सेल जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अब सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों दिखाएगा, क्योंकि सेल अपना काम करता है, सारा काम सेल अपने खुद करता है, उसके पास वो सारी चीजें हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे वो सब कुछ खाना बना सकता है, उसके जीवन के लिए जो जो चीजें उसके पास है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो करता है। दूसरा क्या है, सेल वही बात लिखा है कि सेल अपने सारा काम को करता है, उसके पास दो काम है, पहला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, क्यों है, क्योंकि उसके पास सारा चीज है जिसे वो काम कर सकता है। यदि उसके पास वो सारी मटेरियल जो जिसके इस्तेमाल से वो खाना बनाता है या जीता है, उसमें से कोई भी चीज का कमी होगा, तो सेल इंडिपेंडेंट नहीं होगा। सेल क्या होगा, किसी पर डिपेंडेंट होगा उसी चीज के लिए, क्योंकि उसके पास वो मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल ले लू, फंजाई जो होता है, वायरस जो होता है, उसके सेल में वो चीज का कमी है, इसलिए वो दूसरे पर डिपेंडेंट, वो उसको खाने के लिए इंसान चाहिए या प्लांट चाहिए, लेकिन जिसके पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे हम लोग हैं, हम लोग के सेल के पास वो सारा कुछ है जिसे वो खाना बना सकता है, खाने का इस्तेमाल कर सकता है, तो हम लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, बस हमें खाना चाहिए, है ना। तो यही है, उसके बाद इतना कुछ तो सेल के बारे में समझ गया। अब सेल को ये तो जाना जरूरी है, सेल को किसने पहले बार देखा उनके बारे में तो जानना जरूरी है। तो वो जो साइंटिस्ट है हमारे, वो है एंटोन वेन लिवेनो, ये नाम तो आपको याद होना चाहिए, यदि सेल आपको याद है तो ये नाम भी याद है, क्योंकि इन्होंने पहली बार लाइव सेल को देखा था। अब लाइव सेल को देखा था तो कहाँ देखा था, इन्होंने एक पेड़ का जो आप छाला को हिंदी में, ठीक है, बार्क होता है, उन्होंने उनपे उन्होंने देखा था वो सेल माइक्रोस्कोप से,
ओके, तो उन्होंने वहां बताया कि वहां पे कुछ है, उनका उन्होंने नाम सेल रखा था, ठीक है। बाद में इसमें रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस का खोज करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जब सेल उन्होंने देखा था, तो उस टाइम एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, वो भी इसी चीज पे स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सेल के सेंटर में कुछ डार्क सा है, वो क्या है, तो उन्होंने उसी का खोज किया जो कि हम लोग जानते हो क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि सेल का पहले बार सेल किसने देखा था और न्यूक्लियस का खोज किया। पता है ये ही क्वेश्चन आईसीआर में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने, मैं एक कहानी के रूप में बताता जा रहा हूँ, सारे किरदार को आपको याद रखना है, वरना यदि किरदार गए तो कहानी वहां से चला जाएगा। ओके, तो आपको याद होना चाहिए कि सेल किसने पहले बार देखा, न्यूक्लियस का खोज पहले किसने देखा, कैसे खोज हुआ, ये सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नीचे सेल थ्योरी पे, हम लोग आ गए सेल थ्योरी पे, और सेल थ्योरी से तो क्वेश्चन आता ही आता है, या तो एक साल अल्टरनेट करके आए, लेकिन आए, इसलिए बहुत जरूरी है समझना, बहुत आसान है एक्चुअली। आप, मैं भी आपको सेल समझा पा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं साइंटिस्टों की वजह से, इन्होंने ही ढूंढा है तभी मैं बता पा रहा हूँ, वरना मैं भी नहीं बताता और ना ही कोई आज तक जानता कि सेल क्या होता है क्या नहीं। तो इन साइंटिस्टों को जानना जरूरी, उनके काम को जानना जरूरी है, इन्होंने कैसे उस चीज को ढूंढा, सेल को कैसे ढूंढा। ओके, तो ये कहानी है 1838 की, 1838 ये साल आम हो सकता था, बट मैथ्यू स्केल्डन जो है, जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, वो एग्जामिन कर रहे थे बहुत सारे प्लांट के ऊपर, एग्जामिन कर रहे थे उनके सेल के ऊपर, उनके सेल तो नाम पता नहीं था, उनके ऊपर उनके बार्क को, उनके लीफ को एग्जामिन कर रहे थे कि क्या है इसके अंदर जो इसको जीवित बना रहा था। तो जब एग्जामिन कर रहे थे, बहुत सारे चीज को एग्जामिन किया उन्होंने, तब उनको पता चला, तो उनको पता चला कि जितने प्लांट हैं, प्लांट के लीफ ही क्यों ग्रीन होते हैं, सिर्फ प्लांट का लीफ ग्रीन है, सारे प्लांट का लीफ ग्रीन है, और जो ब्रांचेज जो ब्राउन है, स्टेम ब्राउन है, ऐसा सारे में सिमिलरिटी क्यों है। नॉर्मली आप ही देखते होंगे प्लांट जो होते हैं वो सारे लीफ लीफ ग्रीन ही होते हैं, कभी येल्लो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, वह तो कंडीशन कुछ और होता है, जब वो चैप्टर आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे भी। लेकिन तो उन्होंने सारे प्लांट के ऊपर वही, उनको वही तलाशना था कि ऐसा क्या चीज है सारे में जो जरूर कुछ ना कुछ सिमिलर है, जो कि सबको सेम बना रहा है। उन्होंने जब खोजा तो पता चला सारे के अंदर एक ही चीज कॉमन है, वो कॉमन क्या होगा, सेल होगा, ठीक है। तो लेकिन उस वक्त उन्होंने सेल के बारे में नहीं बताया था कि वो सेल ही है, बट उन्होंने ये चीज पता कर लिया था कि सारे के अंदर कोई एक चीज कॉमन है और वो था सेल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर, और 1839 में, 1838 का तो हम लोगों ने पढ़ लिया, 1839 में स्वान, ये भी एक साइंटिस्ट थे जो कि स्टडी कर रहे थे एनिमल के ऊपर, वो स्टडी कर रहे थे प्लांट के ऊपर। ये पूछता है कभी कभी, पता है क्या करे आईसीआर में, वो नाम मेंशन कर देगा स्वान, अब बोलेगा स्वान बोटेनिस्ट थे और उन्होंने प्लांट के ऊपर रिसर्च किया, नहीं। स्वान, आपको एक एग्जांपल बताऊं स्वान क्या होता है, हम लोग तो नॉर्मली स्वान जानते हैं बिहार में कि वो जो हंस होता है, तो हंस जिंदा होता है ना, तो इसे आप याद रख सकते हो कि स्वान जो है वो एक लिविंग थिंग्स है और एनिमल है, तो स्वान साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एनिमल के ऊपर रिसर्च किया था, उन्होंने एनिमल के बहुत सारे अलग अलग एनिमल को के ऊपर रिसर्च किया था, उनके उनको उनको ये पता करना था कि क्या चीज सारे एनिमल में सिमिलर है। तो उन्होंने जब रिसर्च किया, तो उनको एक, उन्होंने पहला रिसर्च किया क्या, आउटर लेयर पे, ठीक है, जो हम लोग का स्किन का आउटर लेयर होता है, उसे एनिमल का भी तो आउटर लेयर होता है ना, उनके ऊपर स्टडी किया और उनको उन्होंने बताया कि जो एक आउटर लेयर जो है एक चीज का, चीज ही हम बोलेंगे अभी क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बाद में उसका नाम सेल रखा, बट उन्होंने बताया जो एक चीज है जिसके ऊपर एक आउटर कवरिंग है, उनको उन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और अब हम लोग यदि अपने तरफ से समझना चाहें, तो उन्होंने सेल के जो आउटर लेयर है उसका नाम उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखा था। ओके, तो जब स्टडी कर रहे थे, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम रखा, तो एक्चुअली में दोनों साइंटिस्ट जो थे वो ये तो पता कर चुके थे कि भाई चलो एक चीज है जिसके आगे एक आउटर स्ट्रक्चर है, उन्होंने प्लांट में पता किया था, तो उनको पता चला कि आउटर स्ट्रक्चर कुछ बहुत रिजिड आउटर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो कि प्लांट में होता है, और एनिमल में उन्होंने सेल मेम्ब्रेन पता किया था, तो ये पता चल गया था कि सेल का जो होता है वो आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल में, जबकि सेल वॉल होता है प्लांट सेल में। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं बताया, और यही एक चीज की कमी से सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ था, उन्होंने ये नहीं निकाल, ये खोज नहीं कर पाए कि सेल एक सेल से दूसरा सेल बनता कैसे। ये तो बता दिए कि सेल को रिसर्च करके, हाँ भाई सेल का ये स्ट्रक्चर होता है, ये वो होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सेल दूसरा सेल कैसे जन्म देता है। तो इसको बताने के लिए हमारे सामने आए रुडोल्फ विर्चो, जो कि 1855 में उन्होंने बताया कि सेल जो होता है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है,
अब क्या समझे इसको, मैं बहुत इजी बताता हूँ। जैसे एक सेल है, ठीक है, सेल से ग्रोथ होगा, मेच्योर होगा, फिर वो क्या करेगा, वो डिवाइड हो जाएगा। माइटोसिस होता है, माइटोटिक होता है, वो आप सेल डिवीजन में आपको बताऊंगा। उस डिवीजन के थ्रू वो अलग हो जाते हैं और फिर वो फिर मेच्योर होकर एक नया नया सेल बन जाता है। ओके, तो उन्होंने बताया कि सेल जो है वो प्री पहले वाले सेल से ही दूसरा सेल आता है। ओके, तो उन्होंने इसका एक ग्रीक में नाम रखा था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब वही है। जब आप ग्रीक को समझोगे ग्रीक में, तो मतलब वही है कि सेल जो आता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। ये तीनों हाइपोथेसिस मिलके ही हमारा सेल थ्योरी तैयार हुआ। तो क्या है वो दो हाइपोथेसिस? अब एक्चुअली में ना, स्वान और स्केलेटन जो थे वो सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने एक प्लांट के ऊपर कर रहा था, एक एनिमल के ऊपर कर रहा था, तो दोनों का जो सिमिलैरिटी है सेल को खोज करने का वो सेम ही था। इसलिए उन दोनों का जो थ्योरी है सेल थ्योरी में एक ही लाइन में डिस्क्राइब किया गया है। क्या है वो, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने होते हैं या फिर सेल का ही कोई प्रोडक्ट ऑफ सेल होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या है? देखो, सेल जो होता है ना, सेल से ही ऑर्गेन बनता है, टिश्यू बनता है ना, तो वो सेल का ही कॉम्बिनेशन है ना, उसी का तो प्रोडक्ट हुआ वो। तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि सेल जो है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट के बने हुए हैं, ठीक है। और जो विर्चो का था वो उन्होंने बताया था कि सेल जो होता है वो प्रीजिस्टिंग सेल से आता है। तो यहाँ पे सेकेंड थ्योरी जो है वो है कि जितने भी सेल है वो प्रीजिस्टिंग सेल से आते हैं। कितने आसानी से हम लोग ने समझ लिया कि सेल क्या है, स्वान का क्या काम था, स्केलेटन का क्या काम था, उन्होंने क्या बताया, रॉबर्ट विर्चो ने क्या बताया, हम लोग सब कुछ समझ लिए। अब यहाँ पे इतना कुछ जानने के बाद ये तो इंटरेस्ट आता ही है कि भाई हमने तो अभी सेल को ऊपर ऊपर समझा है कि सेल क्या है, सेल के ऊपर क्या होता है, लेकिन सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है वो अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, जिसका टॉपिक का नाम ही है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। देखो किस तरह से उन्होंने, पहला उन्होंने टॉपिक रखा इंट्रोडक्शन, दूसरा रखा व्हाट इज सेल, सेल के बाद उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया जो जो उस चीज को खोजा, उसके बाद आता है ओवरव्यू ऑफ सेल। तो ओवरव्यू ऑफ सेल में हम लोग यहाँ पे देखें, तो अब हम आ गए ओवरव्यू पे। तो यहाँ पे ना सेल के अंदर एक फैमिली है, ऐसे समझते हैं सेल के अंदर क्या है, फैमिली है। फैमिली के हर एक मेंबर को समझना जरूरी है। फैमिली बनता है और फैमिली के जो हर एक मेंबर, उनका एक इंपॉर्टेंट काम होता है फैमिली चलाने में, ठीक है। तो वैसे हम समझते हैं इसको और बहुत मजा आएगा इसको समझने में, एक एक चीज को समझने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो पहले मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे मैं अपने जब 9th में था तो मेरे साथ तो एक्सपेरिमेंट करवाया गया था मेरे स्कूल में, कि जैसे एक ओनियन, ओनियन समझते हो ना प्याज जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके उसको जब छीड़ोगे ना उसके अंदर बहुत पतला व्हाइट लेयर आता है, इसको हम लोग पील कहते हैं। ओके, ओनियन पील कहते हैं। तो उसके ऊपर हमको सेल दिखाया गया था, सबको एक्साइटमेंट होता है कि भाई सेल दिखता है कैसा, ठीक है। हम लोग नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप में हम लोग देखा था। तो आप लोग को भी एक्सपेरिमेंट कराया गया होता है, जितने सीबीएसई के होंगे शायद और जो बिहार बोर्ड के होंगे तो उनको भी एक्सपेरिमेंट कराया ही गया। तो हम लोग को बताया गया था ओनियन पील पे, तो आप लोग को भी बताया गया शायद। तो या फिर यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया गया, एक ओनियन पील का लिया गया और एक ह्यूमन चिक का लिया गया। ह्यूमन चिक जो हम लोग का ये थी यहाँ पे, तो इसके अंदर भी हम लोग सेल ही देखते हैं। और सेल की को देखने के साथ हम लोग क्या देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या है? तो माइक्रोस्कोप से तो आपको पूरा अंदर का कंपोनेंट नहीं दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको दिख सकता है, बट उन्होंने देखा था, साइंटिस्टों ने देखा था, और उसके बाद उन्होंने सारे स्ट्रक्चर को बताया। तो हम तो अभी देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो बताया उनको समझ के हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या रहा होगा, पूरे फैमिली को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें आता है, उन्होंने बताया था कि सेल के जो सेंटर है वो एक डेंस डार्क कलर देखा था, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक डार्क कलर एंटोन रॉबर्ट ब्राउन ने भी देखा था। ओके, तो वही डार्क कलर को उन्होंने नाम बाद में न्यूक्लियस दिया। उस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? उस न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो कि बना होता है या तो डीएनए का या तो आरएनए का, ठीक है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ऐसा कोई चैप्टर आएगा जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल पढ़ना होगा पूरा डीपली, इसमें ही पढ़ना है आगे, तो आपको वहां बताऊंगा कि क्या होता है आरएनए, क्या होता है डीएनए, कैसे वो जेनेटिक मटेरियल बनता है, वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे वो अरेंज होता है एक दूसरे में, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी बस आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है क्या, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम क्या चीज का बना हुआ है, वो डीएनए और आरएनए को बना हुआ है जो कि जेनेटिक मटेरियल हम लोग का कहलाता है। ओके, तो यदि मैं आपसे एक चीज पूछूं कि आप कैसे पता करिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के कौन होता है और यूकैरियोटिक सेल कैसे होता है, मैंने तो नहीं बताया, बट मैं अब बता रहा हूं कि कैसे आप पता करो कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा ना उसमें एक चीज बड़ा अब्सेंट होता है, वो क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो है उसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अपना ही कुछ काम है,
जिसमें नहीं होता है उसमें कुछ और होता है जो कि उसके काम को कर देता है, बट जहां होता है उसका इंपॉर्टेंस वहां बढ़ जाता है। जहां पे मेम्ब्रेन है उसका काम कुछ अलग है, जहां नहीं है वहां उसका काम नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, कहां नहीं होता है, न्यूक्लियस के पास नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन जो भी घिरा होता है साथ में न्यूक्लियस भी घिरा होता है। तो हम समझ गए कि सेल में प्रोकैरियोट कैसे पता करे और यूकैरियोट कैसे पता करे। अब हम ये जानते हैं कि दोनों में ना एक चीज बड़ा कॉमन होता है, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है जो कि एक सेमी फ्लूड लिक्विड हम लोग जिसको कहते हैं, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है। और लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपरेटस होता है, राइबोजोम होते हैं, लेकिन वो सब में फिर प्रोकैरियोट में अलग होता है और यूकैरियोट में अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि प्रोकैरियोट काम सेल का जो काम है वो अलग होता है, यूकैरियोटिक काम जो है वो अलग होता है। इस वजह से उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन है वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा कि क्यों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस है। और लास्ट में हम लोग ना एक काम, इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग उसको अलग भी कर देंगे कि प्रोकैरियोटिक में एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोटिक का लिख देंगे और फिर यूकैरियोटिक का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे तो हम लोग आगे, अब हम आगे क्या देखते हैं कि जैसे हमने बताया था कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे चीज होते हैं, वो चीज क्या है जिसको हम लोग ऑर्गेनिल्स कहते हैं, बायोलॉजी के टर्म उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिल्स। वो ऑर्गेनिल्स क्या क्या हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म हो सकता है, लाइजोजोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, माइक्रोबॉडीज हो सकता है, वैक्यूल्स हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं जो कि उस सेल के अंदर होते हैं, उस सबको हम लोग ऑर्गेनिल्स कहते हैं। उनका अपना जैसे ओवरऑल बताना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनिल्स होते हैं। और जब आपको पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिल्स के नाम बताओ तो आप बता देना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइजोजोम होता है, वैक्यूल्स होता है। जबकि प्रोकैरियोट में क्या होता है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं होता, ऑर्गेनिल्स वहां भी होते हैं लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वही होगा जहां पे ऑर्गेनिल्स होंगे, बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंड, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है कि वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं होते, जिन जिस ऑर्गेनिल्स में मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं वो वहां होगा, जिसमें जरूरत है मेम्ब्रेन की वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। कि जो ऑर्गेनिल्स होंगे जिस सेल के अंदर ऑर्गेनिल्स होंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मैंने ये सारे नाम बताए, तो वो सारे नाम है जो मेम्ब्रेन बाउंड है उसको ऑर्गेनिल्स कहेंगे, और जहां मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा वहां पे ऑर्गेनिल्स नहीं होगा। ओके, तो ये वो किसमें होगा, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, जैसे लेकिन ये इसके नीचे तुम देखोगे राइबोजोम है, राइबोजोम ये ऑर्गेनिल्स जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, लेकिन फिर भी ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में होता है। तो ये एक तरह क्या हो गया, यूकैरियोटिक एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं है फिर भी ये यूकैरियोटिक में है। तो ऐसा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे राइबोजोम हुआ, तो राइबोजोम जो होता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स में होता है। ओके, तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है क्योंकि ये दोनों जो ऑर्गेनिल्स है ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और यहाँ पे राइबोजोम का कुछ अपना पर्सनल फंक्शन होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है और यहाँ भी होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूछ दे कि बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोजोम होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, तो आपको याद होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ही दो ऑर्गेनिल्स में राइबोजोम अटैच होते हैं। उसके बाद क्या है कि एनिमल्स जो होते हैं, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके कि एनिमल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिल्स क्या बोलते हैं, देखो एनिमल में ना एक और चीज होता है, एनिमल में पाया जाता है सेंट्रोजोम जो कि सेल डिवीजन करता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक सेल दूसरा सेल कैसे बनता है, तो एनिमल में एक ऑर्गेनिल्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोजोम, लेकिन सेंट्रोम जो जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ओके, तो सेंट्रोजोम को याद रखना, मेम्ब्रेन कुछ कुछ चीजें यहाँ जो कि याद करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सेंट्रोजोम क्या है, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, राइबोजोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, लेकिन राइबोजोम कहाँ पे है, वो यूकैरियोटिक सेल में है और वो एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, और सेंट्रोजोम कहाँ पे है, एनिमल सेल में पाया जाता है। फिर जो सेल जो होता है, यहाँ तक हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया, जैसे राइबोजोम के बारे में जान लिया, थोड़ा सा सेंट्रोजोम के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे जो नीचे दिया गया है ना वो है कि अब हम जानते हैं कि सेल का शेप कैसा होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेल जो होता है ना वो अलग अलग तरह का होता है, जैसे प्लांट में जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, एनिमल्स में फिर अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है किस एटमोस्फेयर में वो रह रहे हैं। तो उसके अनुसार जैसे सेल का साइज, शेप और जो उसके काम होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है कि उनका काम क्या है, उनके अनुसार उनका स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन होता है और वो वही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आईसीआर में पूछा जाता है वो है ये कि कौन सा जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, पूछ देगा कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ऑप्शन में रहेगा माइकोप्लाज्मा, तो तुमको क्या मानना है,
माइक्रोप्लाज्मा, तो माइक्रोप्लाज्मा ही सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जिसका है 0.3 माइक्रोमीटर होता है लेंथ में, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया का जब तुम बात करो, बैक्टीरिया होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। और यदि लार्जेस्ट पूछे, एक होता है लार्जेस्ट, एक होता है लॉन्गेस्ट, ये वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। लार्जेस्ट मतलब लंबा, जो कि सॉरी लार्जेस्ट जो होता है ना वो होता है कि कितना बड़ा है, जबकि लॉन्गेस्ट लंबाई का बात करता है। तो लार्जेस्ट जो होगा जो कि है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसका यहाँ पे भी नहीं दिया है, लेकिन लार्जेस्ट कौन होता है याद रखना आपको, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और लॉन्गेस्ट बात करेगा तो कौन होगा, वो होगा नर्व सेल, जो कि हम लोग के ह्यूमन ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। तो नर्व सेल क्या हो गया, वो लॉन्गेस्ट हो गया। लार्जेस्ट पूछेगा तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और यहाँ पे एक और दिया हुआ है, मल्टी सेल्यूलर का एक एग्जाम्पल है जिसमें है रेड ब्लड सेल, जो कि है कितना 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर में, कितना है 7 माइक्रो। ये सब चीज कुछ टर्मोलॉजी है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि साइज से इसमें कुछ रिलेशन नहीं बता सकते, लेकिन ये याद रखिएगा, यही से क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, बनाइएगा। जैसे माइक्रोप्लाज्मा से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो आपको याद होना माइक्रोप्लाज्मा ही सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। आपको पूछेगा कि लार्जेस्ट क्या है, तो लार्जेस्ट में ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो आएगा नर्व सेल, ओके। तो जैसे यहाँ पे मैंने जितना भी आपको स्ट्रक्चर बताया है उसमें से बहुत सारा स्ट्रक्चर इसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको समझना है, उसको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ना वो स्ट्रक्चर बना के दे देता है और बोलता है ये किसका स्ट्रक्चर है, तो आपको याद हो। जैसे यहाँ पे देखिए नर्व सेल का स्ट्रक्चर दिया है, जो कि क्या है, ये क्या है लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट कौन है एग ऑफ ऑस्टिस, ठीक है। फिर रेड ब्लड सेल है जिसका राउंड राउंड और बाइकॉनकेव होता है, सिर्फ ये चीज आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़िएगा तो वहां भी आपको रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ना है, वहां भी आप उसके स्ट्रक्चर को पढ़िएगा तो वहां भी बाइकॉनकेव मेंशन किया गया है, तो यहाँ भी है। तो आपको ये जो जितने सेल है ना, सेल को जितना अच्छे से आप समझिएगा, इसी का इस्तेमाल अलग अलग फंक्शन बस बदल जाता है, स्ट्रक्चर तो वही रहता है ना। व्हाइट ब्लड सेल का जैसे है एमोबॉइड शेप होता है, कोलमनार एपिथेलियम सेल कहाँ होता है, हमारी स्किन में होता है, ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो होता है। फिर ट्रैकिया जो कि कहाँ होता है, प्लांट में होता है, ट्रैकिया ट्रैकियोस ये सब पढ़े होंगे, प्लांट में होता है। तो ट्रैकिया कैसा होता है, इलोंगेटेड, सबका शेप है, और जैसा आप शेप देखो ना, शेप देख के आपको लगेगा कि नहीं इसका नाम तो इलोंगेटेड ही होना चाहिए, जैसे गोला है तो इसका नाम तो राउंड ही होना चाहिए, ओके। तो बस आपको याद रखना है कि ये ट्रैकिया कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। कोलमनार एपिथेलियम का कैसा होता है, लॉन्ग और नैरो होता है। फिर यहाँ पे मेजोफिल सेल्स दिया, मेजोफिल सेल प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्लांट आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप देखना मेजोफिल सेल्स में बहुत सारे, जैसे हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं ना, एनिमल एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है, उसी तरह से ना प्लांट मेजोफिल सेल्स जो होते हैं बहुत, नहीं उसी के अंदर सब कुछ होता है, उसी के अंदर आपको वैक्यूल्स होंगे, उसी के अंदर वाटर का स्टोरेज होता है, वो प्लांट पढ़ाया जाएगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ मेजोफिल सेल का पूछा कैसा होता है, राउंड एंड ओवल होता है। राउंड एंड ओवल क्यों लिखा है, मतलब मेजोफिल सेल जो होते हैं, जो सेंटर में जो होते हैं ना, सेंटर में वो राउंड होते हैं, लेकिन जो साइड वाले जो होते हैं, जैसे मान लो कि कोई स्ट्रक्चर हुआ तो ऐसे फ्लैट होते, तो यहाँ वाले राउंड हर जगह राउंड नहीं निकलते, कभी कभी वो थोड़ा सा ओवल टाइप का शेप हो जाता है, वो डिपेंड करता है उसके फंक्शंस पे, ठीक है। जैसे डाली होता है, बार्क आ जाता है, इस वजह से वो राउंड एंड ओवल दोनों होता है, इस वजह से यहाँ पे राउंड एंड ओवल दोनों मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आज के लिए, इस वीडियो में आज तक अभी यही तक रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, और इसी तरह से धीरे धीरे सारा कहानी के रूप में हम लोग समझते चले जाएंगे, और आपको एक कहानी के रूप में इसको याद हो जाएगा, फिर आपको जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा कहानी एक बार आपको याद आने लगेगा। मैं तो कहूंगा कि जैसे ये वीडियो खत्म होगा, आप जब इसको देख लो तो आप इसको एक बार अपने मन में, जैसे मैंने अभी किया है ना, उसी तरह याद करने की कोशिश, सर ने क्या क्या पढ़ाया है याद करने की कोशिश, एक एक चीज याद करने को, जहां जहां मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको तो आपको याद रखना ही है, ठीक है, याद करो। बस इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।